गुड मॉर्निंग नहीं, आज गुड आफ्टरनून बोलने वाला हूँ। गुड आफ्टरनून मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, जिसका कारण ये है कि आज आफ्टरनून में व्लॉग इसलिए स्टार्ट किया कि वैसे ही मैं सुबह 10 बजे उठा था क्योंकि रात को हम डांस कर रहे थे, जो कि आपको पता है कल शादी है। और आज जो है 12 बजे व्लॉग स्टार्ट करने का कारण ये भी है कि मैंने 2 घंटे में कुछ स्पेशल काम किया है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब आप सोचोगे कि 2 घंटे थोड़ी लगते हैं इतने से कपड़े धोने में। हाँ भाई, मुझे लग जाते हैं, वैसे मैं बड़ा जल्दी काम कर लेता हूँ, लेकिन आज मैंने 2 घंटे में किया। और साथ में मेरी कोई हेल्प भी कर रहा था, और वो है अरिजीत सिंह के प्यारे प्यारे गाने। ठंडे पानी से नहाने की मत है, नहीं पहले पानी गर्म करते। अभी पानी गर्म हो रहा है भाई, और मैं आपको बाहर का नजारा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखो, और पतंगे लगभग उड़ने लग गई है। इस बार मुझे पतंग लानी पड़ेगी क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब नहीं है। और अगर यदि भवानी शंकर भाई ने जिस प्रकार डॉक्टर साहब पे कृपा की थी पतंग देने की, अगर वो हम पे भी कर दे तो उनकी मेहरबानी होगी। बट लेकिन हम ले ही आएंगे फिर भी। नहा धो के तैयार हो गए, अभी हम चलते हैं औड़ भाई और अंकु भाई के पास में, जो कि जहाँ शादी है कल वहाँ पे है, नॉर्मली हेल्प करवा रहे हैं। तो हमने भी सोचा हम फ्री हैं अभी तो हेल्प करवा देते हैं। तो चलो गाइस चलते हैं। और ये अभी चुनाव में जो है चूरू में राउंड चल रहे हैं, देखते हैं कौन जीते हैं। हम आपको बताते हैं चिकू भाई के आगे क्या लगता है। चिकू भाई कौन जीतेंगे चूरू में? लाल सारण। जय बाबा भाई। साथ में भाई काम भी हो रहा है और चुनाव के लिए जज भी किया जा रहा है कौन जीत सकता है। मनोज कुमार अभी भाई थोड़ी देर आउट भाई के घर पे घूम के आते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ बैठे बैठे भी। अभी बात चल रही थी भाई फुकरा भाई की और कंटेंट की, तो हम भी सोच रहे हैं थोड़े दिनों में फुकरा भाई जैसा कंटेंट बनाए। क्यों आउट भाई चलेगा कंटेंट जैसा? क्या हुआ बोलो भाई? दौड़ेगा ठीक है भाई, तो बनाएंगे हम। और ये वापस भाई कौन जीता तारानगर में? कौन जीता तारानगर में? नरेंद्र बुढ़ानिया। अच्छा, और 9,727 वोट से विजय प्राप्त करते हुए। चंदा यहाँ पे रेस्ट करती है, चंदा के पाँव में लग गई गाइस। भाई अकेले अकेले चिप्स खा के गद्दारी कर रहे हो? मैंने अच्छा मैं डंगल आपके लिए मैं ही लेके आया था स्टेशन से, पता है एक दिन आपको। पटाखे बजने शुरू हो चुके हैं भाई, और लाल सारण जीतने वाले हैं। बेजा खुशी हो रही है, बेजा खुशी हो रही है। कितनी बेजा हो रही है? डॉन कर दिया जाए कितने वोटों से? कितने वोटों से जीते हैं ये जो है? और ना मिलने पर अफसोस। जब भी जैसा कि आपको बताया हरलाल सारण जीत चुके हैं, तो हम जा रहे हैं हमारे गांव की वार्ड में, क्या सीन है देखने। कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ चल रहे हो? गांव के चौपाल में। चौपाल में देखने जा रहे हो? नॉर्मली फटाके की आवाज सुनाई दे रही है आपको? भी सुनाई दे रही है? अच्छा, ये देखिए, ये देखिए माटी भाई से आपको मिलाते हैं। ओए ओए कांग्रेचुलेशन इन अदर लैंग्वेज। जिंदाबाद भीख मंडालिया, जिंदाबाद। मेरे हिसाब से लगभग 99% है। हाँ, मैं खुशी का मौसम छाया हुआ है, और प्रीति भाई बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। भाई भाई पटाखे फोड़ रहे हैं, और पटाखे भी वो वाले जो दिवाली में मेरे ब्लॉग में रहे। दिनेश भाई आप भी, आप नहीं, दिनेश भाई आप नहीं छोड़ोगे पटाखे? छोड़ा है लगा लिया, छोड़ बहुत ही शानदार रूप से कानों में टीम बुलाते हुए। पहले गाल लो मन दे। अंकु भाई आपसे अच्छा बच्चा जानता है यार, क्या यार आप भाई। मैं बार चूं सो पर मत गालना, वो मत गाल फूट जी वो। तो गाइस अभी जीत में ठंडे की पार्टी करते हुए
सभी के चेहरे पे खुशी है। बनी के नहीं पटाका मोदी सर जाओ सुनाड़ी जाओ सुनाड़ी मिल जी सी फटाने के लाने की बात हो रही है गाइस देना 5 मिनट में 5 हजार छोड़ दूंगा और ना देना को जाओ खाली भाई गए जीने हनुमान आवड़े हाल जरा देख। तो भाई अभी जो है नेतागिरी बहुत हो गई, अभी आ गए हैं घर पे और ये देखिए नॉर्मली जो है कपड़े वपड़े भी सूख गए हैं। हाँ सूख गए हैं लगभग, जींस भी 95% सूख गई है, बस रबड़ थोड़ा सा बचा है। और भाई सामने से मौसम देखो यार कितना सुहाना लग रहा है, छत पे जाके दिखाऊंगी आपको। ये चलो ये देखो भाई क्या ही मौसम लग रहा है भाई साहब, ये देखो गज्जू गज्जू ये देखो भाई भाई सच कह रहा हूँ गांव की बराबरी कहीं पे भी नहीं हो सकती आप चाहे की गांव मेरे भाई मुझे बच्चों से बहुत लगाव है, चाहे जो भी कहो बड़ों से एक बात के लिए मैं गुस्सा हो सकता हूँ लेकिन बच्चे से नहीं हो जाता चाहे वो कितनी बड़ी भी गलती करते हैं। तो भाई एक बार के लिए तो आराम से, सर्दी इतनी है कि अब रजाई के अंदर बैठ गया, बाहर निकलने का मन भी नहीं कर रहा, ये रहा चार्जर, मोबाइल का भी डिस नहीं होगा, आराम से फुल चार्ज करके देखते रहो। लेकिन अभी मैं भूल गया मुझे दूध भी लेके आना है, 5:30 बजे का टाइम है, 5:10 हो गई है और भरनी रेडी करनी है। तो मुझे नहीं पता सबके अलग अलग लैंग्वेज है, जैसे हमारे ननियाल साइड में उसको डोलची बोलते हैं ठीक है, जयपुर साइड में, और सिक्कर फतेहपुर ये शेखावटी जो भाषा है उसमें डोलची बोलते हैं, हम भरनी बोलते हैं, मतलब जो होती है ना एक कंटेनर होता है जैसे 2 लीटर 3 लीटर का वैसे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ भाई, इसकी बात कर रहा था गाइस, हम पे हमला हुआ है, चुनाव वाले दिन हम पे हमला हुआ है। तो गाइज अभी जो है मैं जा रहा हूँ हावड़ भाई के पास और फिर हम जाएंगे शादी में। भाई मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा सामने से देखो यार, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आगे लाइट ऑन करके क्योंकि रात में फिर मैं भी नहीं दिखूंगा। अब रमेश भाई कमेंट करेगा भाई तू तो दिन में भी नहीं दिखता। तो गाइज जैसा कि आपको पता है आज शाम को शादी है, तो हम हो गए एकदम रेडी शादी में जाने के लिए। और आज है मेहंदी रात है, नहीं आती है आज है, हाँ मेहंदी रात है, मेहंदी रात है और रात जो डांस वाला प्रोग्राम है और डांस के मामले में हम पीछे नहीं रहते। और अभी मुझे थोड़ा स्लो बोलना चाहिए, दिया बत्ती हो रही है घर में। तो जय श्री कृष्णा जय माँ भवानी, चलते हैं तक ये दिखावे यार। तो हमारे मोनू भाई भी रेडी हो गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो ये ड्रेस अभी 2 दिन पहले लेके आए थे और भाई ने फोटोग्राफी भी करवाई थी आते ही, हमारे फिक्स है भाई जैसे ही आते हैं ना नए कपड़े शाम को उसी दिन वो कपड़े पहन के फोटोग्राफी की जाती है और फिर उसी वक्त पोस्ट कर दी जाती है। तो अभी हो जाते हैं मैं तैयार, और भाई भी तैयार हो गए होंगे, नहीं नहीं हुए शायद, अभी वो पीछे आ रहे के पास, तो एक बार आपको चलो मिला लेता हूँ उनसे। ठहरी ठहरी वापस जा, ये आउट भाई अपने हेयर केयरिंग का रूटीन अंकु भाई का। अरे ऊंचा कौन करूं भाई, क्यों अच्छे बदले बालों को आपकी बालों की तरह खराब कर रहे हो इसके। ओ भाई रुक एक मिनट साइड ना, काम करना अंकु भाई। ओ तेरी भाई सा, क्यों बालों को खराब कर रहे हो भाई। अरे कोई काम की शो नहीं, ओए मोए मोए अरे भाई आप भी रेडी हो रहे हो, अच्छा जो बचा कुछ हाथों में थे आपके बालों में लगा रहे हो। I am only using for chanana. That's wrong. हंस काय रहे हो बे, अपने आप पे हंस रहे हो। कैसे जीना ना सीखा मैंने, जीना मेरे हमदम ना सीखा कभी, जीना जीना कैसे जीना ना सीखा मैंने तेरे बिना हमदम। अरे 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 देखिए हमारी प्यारी बहन को, सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक ए वाव। अरे नहीं नहीं आपको नर्वस नहीं होना, वाह वाह ठीक है भाई। अभी हमारी प्यारी बहन की फोटो खींचते हैं और फिर हम चलते हैं जल्दी से शादी वाले घर पे, वैसे भी थोड़ा लेट हो रहा है। और अच्छी अच्छी फोटो खींचनी है आपकी, 5-10 दिन को स्टेटस को जुगाड़ करा लियो। विद्रोह दमनकारी की उपाधि मन मिल रही है
बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं आज, बहुत ही स्मार्ट, सो दुखी, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग। मोनू भाई को देखो सर्दी नहीं लग रही है, आपको लग रही है? बनाओ भाई चाय, बनाओ। ब्लॉगिंग बंद करो भाई, लाइट ऑन है क्या? नहीं ऑन भाई। अभी जो है इस सर्दी में गर्मा गर्म चाय पी जा रही है बीच में, और अभी तक हमारी बारी नहीं आई है, 12:30 हो गए हैं। इनको नाचना है कौन सा गाने पे? अरे यार तू सूटर पहन लिया कर यार, तू दूजे ही है, क्या मनसी कौन ला गया है?
गाइस अभी आ चुके हैं डांस करके। ये भाई चश्मे से मेरे, ये देखो यार, ये प्रॉब्लम रहती है मेरे, लगभग जितनी बार भी किसी का हाथ चश्मे लगता है तो यहीं लगती है। जुकाम कैसे हो गए। सो गाइस डांस कर लिया नॉर्मल, एक दो गाने पे ही किया, इतना तो मज़ा आया नहीं, देखिए फिर भी एंजॉय कर लिया। अब हम वेट कर रहे हैं रमेश भाई की शादी के लिए, जो कि 10 दिन पहले डांस करने वाले हैं, जिनकी सगाई वाला व्लॉग भी आपने देखा होगा। और आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और अब लगभग डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो यार सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।